हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज के वीडियो में बात करेंगे हम एफसीआई एजी थ्री के बारे में। जैसा कि मैं कट ऑफ को लेकर वीडियो बना चुका हूँ और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं उसके रिजल्ट को लेकर और उसके मेंस एग्जाम डेट को लेकर, तो कब क्या हो सकती है तो वो मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको आगे की पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी और मेरी जो एनालिसिस है वो लगभग ज़्यादातर सही होता है। तो इसको देखने के बाद आपको पक्का लगेगा कि आपके एग्जाम डेट और रिजल्ट आपको इसी के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आपको आगे की न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके एग्जाम डेट का नोटिस आया था जिसमें लगभग 29 जनवरी को आपके लास्ट एग्जाम थी। अभी 29 जनवरी आनी है, तो अगर उसको एग्जाम होने के बाद लगभग आपके एग्जाम समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद लगभग आपको रिजल्ट तो देखने को, जब तक पॉसिबिलिटी है मुझे कि 15 फरवरी के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उससे थोड़ा आगे होगा तो लगभग 20 फरवरी के आसपास इन 5 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पूरा 100% कन्फर्म न्यूज है। और मार्च में आपके लगभग एग्जाम डेट है फेज टू की, तो वो आपके लगभग 5 मार्च को होने वाली है। यानी कि रिजल्ट आने के बाद आपके पास लगभग 20 से 15 दिन शेष रहेंगे तैयारी करने को लेकर। तो तैयारी अभी से करनी है और जिनको लगता है कि मेरा फेज वन क्लियर हो जाएगा तो वो अभी से तैयारी में लग जाए और फेज टू की तैयारी करें। तो क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आपको आगे की न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।